हाँ जी, एक मुहिम चला रखी है सभी टीचर्स ने और विद्यार्थी उनके साथ शामिल हैं। और सही भी है, बेरोजगार मांगे युवा मांगे रोजगार, ठीक है। अब करें क्या ये बताओ, समस्या यहाँ पर है कि सरकार ठीक है बहुत अच्छा काम कर रही है, धारा 370, जम्मू कश्मीर सब कुछ अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, जब लड़के लड़कियाँ तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल से तैयारियाँ कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या करें? सबसे बड़ी समस्या उनके पास यही है। सरकार ने पिछले 3 साल से हर वैकेंसी को अटका रखा है। RRB रेलवे वाला इतना बुरा हाल है, फॉर्म भरवा लिए, बच्चों ने 6-6 महीने तैयारियां कर ली, खूब कोचिंग भी की, हम लोग खूब पढ़ाए, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होता, बच्चा स्कैटर्ड होता है। हम लोग कहते हैं धीरे धीरे घर पर पढ़ो, बच्चा एक ही सवाल कहता है कब तक, और इस कब तक का कोई जवाब नहीं है। सरकार ना तो कांग्रेस के पक्ष में है, साफ साफ बोल रही हूँ, ना BJP के पक्ष में, क्लियर बता रही हूँ। किसी का विरोध नहीं, किसी का पक्ष नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि नौकरियों के पेपर टाइम पर कराओ, वैकेंसी टाइम पर निकालो। आपने वैकेंसी थोड़ी निकाली, कोई बात नहीं, यहाँ भी सहन हो गया। 5,000 सीटें हैं राजस्थान पुलिस की, ठीक है, और 1,000 सीटें होती हैं कलेक्टर की, वो जो IAS का एग्ज़ाम होता है वो। अब उतने ही बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उतने ही बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, बात वो नहीं है कि एग्ज़ाम को देने वाले बराबर, बात ये है कि वो बच्चे जो एक नंबर पर फेल हुए राजस्थान पुलिस में। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, एक नंबर पर फेल होंगे, कैसे बच्चे 5,000 नहीं होंगे? गलत बोल रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे ज़्यादा है, इससे कई गुना ज़्यादा है। अब वो जो बच्चे हैं जो एक एक नंबर से फेल हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी उनका मानसिक ये हो जाता है कि मैं एक नंबर से फेल हुआ, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ लूँगा या उस समय पढ़ाई कर लूँगा, अयोग्य तो वो है नहीं, योग्य है, क्योंकि नंबर कई बार निर्धारक नहीं होते योग्यता के। इतना योग्य बच्चा दोबारा मेहनत करता है, वो फिर किसी कारण से रह जाए, समझ में आता है कि भाई उसने पढ़ाई नहीं की, डिले कर लिया। लेकिन वही योग्य बच्चा जो एक नंबर से रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही, इस समय किसी दुकान पर काम कर रहा है, फिर पेपर देगा, हो सकता है वो पढ़ ही ना पाए। सरकार अगर पेपर टाइम पे करा ले, हर साल करा ले, तो कम से कम ये बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे तो नौकरी लगेंगे, कहीं तो योग्यता का मापदंड आएगा। वैकेंसी इतनी सी है, थोड़ी सी वैकेंसी है, सैकड़ों हजारों करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको भी आप टाइम पर नहीं करा रहे हो। 3 साल हो गए राजस्थान पुलिस का पेपर हुए, 2 साल हो गए, अब 2 साल में भी आपने वैकेंसी नहीं निकाली। एक सबसे छोटी वैकेंसी ये होती है, इसमें भी सीटें मात्र 5,000, उसमें भी फिर कट जाती हैं सीटें जिले वाइज, उसके बाद आपका पेपर नहीं होता। ये तो सरकार सरासर फेलियर कहते हैं इसे, सरकार का पूरे तरीके से सरकार फेल है, दोनों सरकार, स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। मैं पूरे तरीके से इसका विरोध करती हूँ, एग्ज़ाम टाइम पे कराइए, अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे नहीं कराएंगे तो आप भूल जाइए कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा आबादी रहती है, भारत की आबादी विश्व में युवा आबादी के नज़रिए में नंबर 1 है। 18 साल से 40 साल का जो लड़का होता है उसको युवा गिना जाता है, और वो भारत में सबसे ज़्यादा है। चाइना में कहते हैं ये प्रेशर कम हो गया है, अगर यहीं पर हमारे युवा को ही रोज़गार नहीं मिल रहा तो ये युवा ही है जो सबसे बड़े आंदोलनों को काम में आ जाता है। 1922 में महात्मा गांधी ने युवाओं की शक्ति को ही नज़रअंदाज किया था, उस समय युवा स्कैटर्ड हो गया था और बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, अपन जब पढ़ते हैं क्रांतिकारी घटनाओं के कारण, तो उस कारण में कारण ये आता है कि असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण युवा जो वर्ग होता है वो भटक जाता है। सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे, युवा आपको बना सकता है, युवा आपको हटा भी सकता है, वो अंधभक्त भी हो सकता है और वो आपको दूसरा रास्ता भी दिखा सकता है, ध्यान रखें इस चीज़ के लिए। हमारा युवा आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत आपको अप्रिशिएट करता है और बहुत ज़्यादा आपका सम्मान करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी गर्दन पे छुरी चलाएं। नौकरियां हैं, उनको एग्ज़ाम को टाइम पे कराएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू मेरी बात को पहुंचाने के लिए।